यार ये वाईफाई बंद कैसे हो गया फिर से? इस हफ्ते में तीसरी बार बंद हुआ ये डिब्बा। जितना मेरे एक्स ने भी मुझे धोखा नहीं दिया ना, उससे ज्यादा तो ये वाईफाई मुझे धोखा दे रहा है। किस एक्स की बात कर रहे हो, जरा हमको भी बताओ। सर मुझे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने है और तुझे मेरे एक्स की पड़ी है। हाँ पता है तेरे लेक्चर्स के बारे में, टीचर से नजर हटे तो कुछ सीखोगे ना। यार ये इंटरनेट जल्दी चालू करो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। साले लॉकडाउन में प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है, रिप्रोडक्टिविटी पर नहीं। अबे जोनी की औलाद कंट्रोल रख खुद पे। देश में कोरोना पर और इसका इसके हाथ के ऊपर कंट्रोल रहना अब नामुमकिन है। अबे पंचलाइन की दुकानों, इंटरनेट को क्या हो गया ये बताओ। हमको क्या पता क्या हुआ गोटिया, जरा तुम देखो क्या हुआ। हाँ देखता हूँ। अरे बेटा जरा तुम्हारा हॉटस्पॉट देना, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। हॉटस्पॉट होता है वो पापा? हाँ हाँ अपने बाप को मत सिखा, जल्दी चालू कर, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है। इधर मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा है पापा। क्या हे भगवान, ये इंटरनेट अभी बंद होना था। अभी पाटिल साहब को मैसेज भेजना था कि कल सुबह 6 से 9 बजे कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है, वो मॉर्निंग वॉक पर ना जाए। अगर पाटिल साहब को कुछ हुआ तो गुड मॉर्निंग वाले लंबे मैसेज कौन भेजेगा मुझे, हे भगवान। पापा वो सारे मैसेजेस फेक होते हैं। तो चुप कर, हर बार बाप को गलत साबित करने लगा है। समझा करो यार पापा, वो सारे मैसेजेस फेक होते हैं। अच्छे सुनते हो, जल्दी आपका हॉटस्पॉट दे दो। अरे ये क्या बोल रहे हो बच्चों के सामने? अरे वो इंटरनेट वाला हॉटस्पॉट, अरे हॉटस्पॉट होता है वो, जल्दी चालू करो। अरे मम्मी इतनी क्या जल्दी है तुमको, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे बेटा अंजलि भाभी ने कहा है कि ये मैसेज 14 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। अरे मम्मी ये सब फेक मैसेजेस होते हैं, इस पर विश्वास मत रखो। अरे भगवान यही सुनना बाकी था। एक तो राम थे जिन्होंने माँ के लिए 14 साल संन्यास लिया, और एक तुम हो जो 14 लोगों को मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी दिन के लिए हमने तुझको पैदा किया था ना। चुप करो यार, मम्मी पापा आप लोग। ये सारे फेक मैसेज की वजह से आज तक बहुत सारे कांड हुए हैं, और एक फेक मैसेज किसी की जान भी ले सकता है। सच में? यस, ये कोरोना वायरस के टाइम भी बहुत सारे फेक मैसेज आए थे, ये कोरोना ऐसा है वैसा है, ये मैसेज पढ़ोगे तो आपका कोरोना चला जाएगा। ये सब की सब फालतू फेक मैसेज होते हैं, वो सब आपको डराने के लिए होते हैं। ये सब आप दोनों भी समझो और अपने दोस्तों को भी समझाओ जो ये मैसेज आपको भेजते हैं। हो गया, वाईफाई चालू हो गया। अरे ये क्या, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड इंडियन नेशनल एंथम एज बेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड। अभी पाटिल सबको भेजता हूँ। दुनिया में फेक मैसेजेस और आदमी का पेट दोनों को फैलने से रोकना नामुमकिन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज, और ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बट एट योर ओन रिस्क।